पति पत्नी के बीच जितना प्यार होता है उतना ही इस रिश्ते में तकरार भी होती है। छोटे मोटे झगड़े होना तो चलता है, लेकिन कई बार ये झगड़े काफी बढ़ जाते हैं। पति पत्नी के जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब दोनों के बीच झगड़े काफी बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ तरीके ऐसे बताए गए हैं जिससे आप इन सब प्रॉब्लम से निकल सकते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। झूठ बोलना। पति पत्नी में से किसी एक का झूठ बोलना दोनों के रिश्ते में परेशानी का कारण बन सकता है। कई बार ऐसा आता है जब पति या पत्नी को अपने दिनचर्या या किसी काम को लेकर झूठ बोलना पड़ता है। ये झूठ अगर किसी तरह पार्टनर के सामने आ जाता है तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होना तय है। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो दोनों के रिश्ते में दरार आ सकती है। इसका समाधान क्या है? पति पत्नी के रिश्तों को बनाए रखने के लिए सबसे पहली बात जिसका दोनों पार्टनर को ध्यान रखना चाहिए कि वो हर बात को क्लियर रखें। भले ही बात कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपका पार्टनर उसे समझेगा। अगर आपका झूठ दूसरों से उन्हें पता चलता है तो उसे आपके पार्टनर को बहुत तकलीफ होती है। भरोसा न करना। हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है, उसी प्रकार पति पत्नी का रिश्ता भी भरोसे पर ही कायम रहता है। अगर दोनों में से किसी एक के मन में पार्टनर के प्रति शक है तो यह रिश्ता में दरार का कारण बन सकता है। शक के कारण शुरू हुई दोनों में छोटी छोटी तकरार कब रिश्तों में बड़ी समस्या का रूप ले लें इसका दोनों में से किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसका समाधान क्या है? पति पत्नी के रिश्तों में विश्वास होना बहुत जरूरी है। भरोसा ना करने के कारण उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए एक दूसरे को अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं। अगर किसी दोस्त के साथ बाहर जा रहे हैं तो उन्हें भी साथ में लेकर जाएं। इससे उन्हें समझ आ जाएगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उन पर कितना भरोसा करते हैं। एक दूसरे से बोर होना। शादी के कुछ समय के बाद कुछ कपल्स को रिश्ते में बोरियत महसूस होने लगती है, जिसके चलते बार बार नोकझोंक होना सामान्य बात है। रोजाना एक रूटीन को फॉलो करते रहने की वजह से उन्हें रिश्ते में किसी तरह के नयापन का एहसास नहीं होता है। इससे देखते ही देखते दोनों के संबंध कमजोर होने लगते हैं। इसका समाधान क्या है? डेली की जिंदगी में हटकर कुछ पल अपने रिश्तों को संवारने के लिए निकालना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में एक दूसरे के प्रति एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए समय निकालकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। साल में एक दो बार छुट्टियां भी प्लान कर सकते हैं। बातों में कमी। बातचीत ही लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। अगर पार्टनर से बात होना कम हो जाए तो इससे संबंध कमजोर होने लगता है। अगर कोई कपल बहुत कम बात करता है तो उन्हें लग सकता है कि अब उनके बीच में प्यार नहीं रहा। यहीं से रिश्ते में परेशानियों की शुरुआत हो सकती है। इसका समाधान क्या है? अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए, समस्याओं को दूर रखने के लिए अपने पार्टनर के साथ हर दिन थोड़ा समय जोर दें। कुछ देर आपको जोर बात करना चाहिए, चाहे 10-5 मिनट ही बात करें। उन्होंने दिन भर क्या क्या किया इसके बारे में बता सकते हैं, या फिर पति पत्नी एक दूसरे के साथ कुछ प्यार भरी बातें भी कर सकते हैं। बदलने का प्रयास। शादी के संबंध में बंधे दोनों लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। दोनों के सोच विचार रहन सहन के तरीके अलग हो सकते हैं। ऐसे में कई बार पार्टनर एक दूसरे को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं। इस बदलाव के चलते दोनों में बहस हो सकती है, इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसका समाधान क्या है? पार्टनर को बदलने के प्रयास ना करें। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या पसंद नहीं आता है। जिन चीज़ों को बदलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें वो खुद अपना लेंगे। उनकी किसी भी आदत को बदलने पर जोर ना डालें। कुछ चीज़ों को आपको भी समझना होगा। धीरे धीरे करके समय के साथ में वो खुद ही उनको पता चल जाएगा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और वो उसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ध्यान न देना। पति पत्नी का एक दूसरे पर ध्यान नहीं देना भी रिश्तों में समस्या का कारण बन सकता है। दरअसल जब पार्टनर एक दूसरे को अनदेखा करने लगते हैं तो उनके रिश्ते खुद ब खुद बिगड़ने लगते हैं। दोनों में से किसी एक का भी अगर पार्टनर पर ध्यान नहीं है तो ये रिश्ते को खराब कर सकता है। इसका समाधान क्या है? पार्टनर पर ध्यान ना देने के कारण रिश्ते में आई कड़वाहट को दूर करने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। सराहना की कमी। पति पत्नी एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर कई बार वो एक दूसरे के द्वारा किए गए कुछ कामों की सराहना करना भूल जाते हैं। इससे दूसरे पार्टनर के मन में यह भावना आ सकती है कि आप उनके काम को महत्व नहीं देते हैं। इसे लेकर कई बार कपल्स के बीच में झगड़ा भी हो जाता है। इसका समाधान क्या है? आप दोनों को इस प्यारे से रिश्ते में यह समस्या तब नहीं होगी जब उनके द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए आप उनकी तारीफ करेंगे या उन पर प्यार जताएंगे। इससे उन्हें इस बात का एहसास होगा कि आप उनके हर छोटे कदम पर ध्यान रखते हैं और उनका महत्व भी समझते हैं। तनाव। जो लोग बहुत तनाव में रहते हैं ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर पार्टनर से झगड़ा करने लगते हैं। उनका व्यवहार हर समय चिड़चिड़ा रहता है। ऐसे में पति पत्नी के रिश्ते में समस्या आ जाता है। इसका समाधान क्या है? अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर तनाव में है तो बेहतर होगा कि बात पर गुस्सा करने की बजाय इसे
अपने पार्टनर से बात करके सुलझा लें। इससे सामने वाला आपके तनाव को कम करने की कोशिश करेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तनाव से जूझ रहे व्यक्ति को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। जब तनाव कम हो जाए तो रिश्ते खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। पैसे की तंगी। पति पत्नी के रिश्ते में हो रही समस्या का एक कारण आर्थिक तंगी भी हो सकता है। जब व्यक्ति के पास अपने दैनिक खर्च के लिए पैसे नहीं होते हैं तो उसका परेशान होना लाजमी है। कई बार ऐसी स्थिति में बिना वजह के भी पार्टनर पर गुस्सा निकल सकता है। ऐसे में दोनों के रिश्ते में खटास आ सकता है। इसका समाधान क्या है? इस परेशानी को दूर करने के लिए अपने पार्टनर की आर्थिक स्थिति को समझें। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो आप अपना खर्च जो है वो थोड़ा कम करें, इससे प्रॉब्लम जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब पैसे का प्रॉब्लम कभी न कभी आ जाता है। जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो थोड़ा दिन तक आप अपने खर्चे पर कंट्रोल रखें। पारिवारिक समस्या। कई बार पारिवारिक मुद्दे भी पति पत्नी के रिश्ते में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। दरअसल कई बार पत्नी या पति एक दूसरे के परिवार के रीति रिवाज और रहन सहन को अपना नहीं पाते हैं, जिस वजह से उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। इस वजह से भी पति पत्नी का रिश्ता खराब हो सकता है। इसका समाधान क्या है? शादी के बाद परिवार के तौर तरीकों को अपनाने के कारण अब दोनों के आपसी रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ तुरंत ही नहीं चेंज हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। तो धीरे धीरे करके फैमिली में एडजस्ट होइए। पर अगर आपका फैमिली से नहीं बन रहा है तो आप खुल के बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको हल कीजिए। इससे आपका फैमिली के साथ भी रिश्ता बना रहेगा और हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा नहीं हो पाएगा। जब आप बैठ के हल निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका सलूशन निकल जाता है। ज़्यादातर केसेस में उसका सलूशन निकल जाता है और प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। दोनों के बीच दूरी। जब लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। ऐसा पति पत्नी के रिश्ते में भी हो सकता है। जब पति पत्नी अपने काम की वजह से या किसी अन्य कारण एक दूसरे से दूर रहते हैं तो दोनों लोग आपस में अच्छे से समय नहीं दे पाते हैं। इसका असर दोनों के रिश्ते पर भी पड़ता है। इसका समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब लॉन्ग डिस्टेंस में रहने वाले कपल्स समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहें, एक दूसरे को फ़ोन पर अधिक से अधिक समय दें, त्यौहार व खास मौक़ों को एक दूसरे के साथ मनाने का कोशिश करें। सोशल मीडिया। आज के समय में रिश्तों को कमज़ोर बनाने में सोशल मीडिया भी बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। कई बार देखा गया कि लोग सोशल मीडिया में व्यस्त रहने के कारण अपने रिश्तों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। इसका समाधान क्या है? अगर आप दोनों के रिश्तों में सोशल मीडिया की वजह से समस्या हो रहा है तो आपको समझना होगा कि यह आपके रिश्ते से बढ़कर नहीं है। ऐसे में बेहतर होगा कि दिन भर में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का एक समय आप तय कर लें। आप कभी भी सोशल मीडिया चलाएं, लेकिन जब हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ हों तो उस समय सोशल मीडिया आपको बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। फ़ोन आप साइड में रख सकते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। अहंकार। अहंकार अच्छे से अच्छे परिवार और रिश्तों को बर्बाद कर देता है। अगर दोनों में से कोई एक अहंकारी है तो पार्टनर संग उनका रिश्ता ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। दरअसल अहंकारी लोग छोटी छोटी बातों को लेकर घमंड करने लगते हैं, जिससे दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आने लगता है। इसका समाधान क्या है? अहंकार रिश्तों को कमज़ोर कर सकता है, इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए अहंकार त्यागना होगा और पार्टनर संग प्यार से रहना होगा। कभी आपके व्यवहार के कारण दिक्कत हो भी जाती है तो अपने पार्टनर को इस बात को एहसास दिलाएं कि उनके लिए आप कितने खास हैं। आपकी समस्या पल भर में दूर हो जाएगी। काम में हाथ ना बटाना। दोनों में से कोई एक पार्टनर काम करता रहे और दूसरा आराम करता रहे तो दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है। इससे कई बार सामने वाला अपना आपा खो सकता है। इसका समाधान क्या है? काम में हाथ ना बटाने को लेकर कपल्स में होने वाली परेशानियों को दूर करने का एक ही तरीका है कि पार्टनर के बोले बिना ही उनके काम में आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। इससे उन्हें अच्छा लगेगा और आप पर आपके रिश्ते जो है वो और सुधर जाएंगे। गलतफहमी होना। गलतफहमी भी कई रिश्तों को तोड़ने या कमज़ोर कर सकती है। दरअसल कई बार किसी चीज़ को लेकर पति या पत्नी के बीच में गलतफहमी हो जाती है। इससे दोनों एक दूसरे से बातों को छुपाने लगते हैं। नतीजा दोनों के रिश्ते में खटास आ जाती है। इसका समाधान क्या है? एक दूसरे को सारा बात जो है वो आप साफ साफ बताया करें। बात छुपाने से गलतफहमी और बढ़ते जाता है, इससे रिश्ते और ख़राब होते हैं। अगर उन्हें कोई गलतफहमी है तो उनसे बात करके उसे दूर करने का कोशिश करें। इससे दोनों के बीच किसी तरह का कोई परेशानी नहीं रहेगा और रिश्ते में सुधार हो जाएगा। जब आप अपने मन में ही किसी चीज़ को रखते हैं तो इससे और रिश्ता ख़राब होता है। तो इसलिए खुल के बात कीजिए, 10-15 मिनट में ही आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जब आप खुल के बात करेंगे तो थोड़ी देर में ही उसका हाल निकल जाता है और एक दूसरे के मन में क्या है वो सब बाहर निकल जाता है और आपका प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाता है। गलतफहमी भी दूर हो जाता है। बात बात पर टोकना। कई लोगों को आदत होता है कि वो हर बात पर टोकते रहते हैं। आपका यह बर्ताव सामने वाले को गुस्सा दिला सकता है। गुस्से में लोग कुछ भी कह सकते हैं जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसका समाधान क्या है? अगर कोई काम आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसको अच्छे से समझाइए कि ये काम नहीं करो, ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रोक टोक करेंगे
या फिर उनको ऊपर प्रेशर देंगे तो इससे बात बिगड़ जाएगा। तो जो काम आपको नहीं पसंद है तो आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं कि ये काम मुझे नहीं पसंद है, ऐसा काम मत करो। सामने वाला इतना बेवकूफ नहीं है कि वो आपको बार बार ओवरटेक करेगा, उसको भी समझ में आ जाएगा कि चलो ठीक है इसकी वजह से अगर उनको गुस्सा हो रहा है तो ये काम नहीं करना है। लेकिन अगर आप हर बात पर टोकते हैं, उनको ज़बरदस्ती प्रेशर करते हैं कि ये मत करो ये मत करो ये मत करो, तो इससे रिश्ता ख़राब हो जाता है। बातें थोपना, पति पत्नी के रिश्ते में समस्या का एक कारण पार्टनर पर जबरदस्ती अपने विचारों को थोपना भी हो सकता है। ऐसे में सामने वाला एक या दो बार आपकी बातों को मान सकता है, बार बार ऐसा करने पर सामने वाला आप पे गुस्सा हो जाएगा और इससे रिश्ता खराब हो जाएगा। इसका समाधान क्या है? इस समस्या से बचने के लिए बेहतर होगा कि पार्टनर पर अपने विचारों को थोपने से बचें। कोई चीज़ आपको पसंद है तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उनको भी कहना है कि हाँ आपको भी यही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है, अपना अपना पसंद नापसंद होता है। मान लीजिए आपको गाना सुनना नहीं पसंद है, आपके पार्टनर को गाना सुनना पसंद है, आप उनको ज़बरदस्ती बोलेंगे कि आप गाना मत सुनिए, तो इससे एक दूसरे में झगड़ा होना तय है। तो उसका आपको हल निकालना चाहिए कि ठीक है अगर आपको गाना सुनना नहीं पसंद है तो आप ईयरफोन लगा के सुन लो, इससे आपको भी डिस्टर्ब नहीं होगा और सामने वाला अपना काम भी आसानी से कर लेगा। तो हर चीज़ का सोल्यूशन आप निकालने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ नहीं पसंद है तो सोचिए कि उसका विकल्प क्या है, आप किस तरह से उस काम को कर सकते हैं जिससे कि सामने वाले को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। मान के चलिए आपको मोबाइल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके पार्टनर को नहीं पसंद है, तो कोशिश कीजिए कि जब आपके पार्टनर ना रहे तो उस समय देख लीजिए, जब आपके पार्टनर रहे तो उसे मोबाइल मत देखिए। तो इस तरह से आप हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बेवफाई करना, पति पत्नी के रिश्ते में समस्या होने का एक कारण बेवफाई भी है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें एक व्यक्ति पार्टनर की हर गलती माफ़ कर सकता है पर पार्टनर द्वारा की गई बेवफाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में दोनों में से कोई एक पार्टनर के साथ बेवफाई कर रहा है तो इससे दोनों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसका समाधान क्या है? इस समस्या को दूर करने की संभावना कम होती है। इसका समाधान सिर्फ इतना ही है कि कभी भी अपने पार्टनर को धोखा न दें। पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते को हमेशा ईमानदारी के साथ निभाए। सम्मान न करना, पति हो या पत्नी हर कोई चाहता है कि उनका पार्टनर उनको सम्मान देकर बात करे। कई बार देखा जाता है कि पति पत्नी के साथ या पत्नी पति को सम्मान देकर बात नहीं करते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। शादीशुदा जीवन में समस्या पैदा होने का एक कारण यह भी हो सकता है। इसका समाधान क्या है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी के सामने भी उनको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको आपके मन में कुछ है, कुछ बोलना भी है, अगर आपको कुछ गुस्सा भी है तो आप अकेले में बोलिए। किसी के सामने अगर आप उनको बोलेंगे तो जाहिर सी बात है इससे सामने वाला जो है वो इंसल्ट फील करेगा और इससे बात बढ़ जाएगा और आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। तो हस्बैंड वाइफ में कभी भी अगर कोई बात है, कोई किसी बात से आप गुस्सा है तो किसी के सामने मत बोलिए, आप अकेले में एक दूसरे को जो भी बातें बोलना है आप बोल सकते हैं, इससे आपका मन जो है वो हल्का हो जाएगा, आपका अब जो गुस्सा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी के सामने बोलते हैं तो इससे रिश्ता ख़राब हो जाता है क्योंकि इससे सामने वाले को इंसल्ट फील होता है। इसका समाधान क्या है? पति हो या पत्नी हर किसी को अपने पार्टनर के साथ सम्मान से बात करना चाहिए। ऐसा करने से बेवजह होने वाली झगड़ों को रोक सकते हैं। रिश्तों में सुधार के लिए अगर आपको और वीडियो देखना है या फिर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बारे में और वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।